पुलिस को समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने लूट की घटना में शामिल तीन बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों के पास से लूट का 3,300, एक रिवॉल्वर और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं, जिनके नाम क्रमशः शिव कुमार, अर्जुन और दयानंद यादव है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी नाथ रोहित सिंह सहरवाण ने कहा, उसी का नंबर वादी ने पहचाना नहीं है। वादी ये सर काम कैसे लूट करते थे, कैसे छीनते थे, शिव कुमार के पास कहाँ से लाए थे? हरपुर से लाए थे। किसके यहाँ से? तो कितनी तुमने कैसे कैसे करते थे, क्या सोचिए करते थे, क्या सोचिए करते थे इसको लूट करेंगे, क्या करते थे पैसे का? कमाई नहीं हुई आज, तो फिर मोटरसाइकिल कैसे खरीदी? कितना लूट किए अब तक? अब तक कितना रुपया लूटे? लूट से हम नाइक जैसे फैक्ट्री लोहा निकाले वहाँ पे हमारे दोस्त रहा ना, तो उनके मन छोड़े गए रही आज इधर काम करना, तो उधर से मना होते तो रही हम कारण थोड़ा मैं गाली दे दी। जो आदमी अब कहा तो कि हमारे मोबाइल छोड़ते रहा ना, तो ये और हम उनके उधर के लिए मारे, तो वैसे ही कई दिन अब हम मोबाइल छोड़ते, लेकिन हम उनके मोबाइल ना छोड़ते रहे। हाँ सर, पैसा ले गए मोबाइल नहीं खींचे पिछले विगत दिनों में और जनवरी के माह में एक लूट की घटना हुई थी, और एक रिसेंट लूट की घटना हुई थी जिसमें वादी का मोबाइल और कुछ पैसे छीन लिए गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा इसमें टीम लगाकर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर जो तमंचा है देसी निर्मित है उसको बरामद किया गया है, और इसके साथ ही कुछ पैसे और जो लूट की पुराना जो सामान था वो बरामद किया गया, और तीनों जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये जो औद्योगिक क्षेत्र है गीडा, वहाँ पर ये झोपड़ी लगाकर रहते थे, और अंधेरे के समय जैसे ही कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है या सामान्य पैदल जा रहा है तो झपट्टा मार के उसका मोबाइल छीन लेना, और जो उसके पास पैसे हैं तो उसको भी ये लूट के चले जाते थे। ये अभी इसमें एक जनवरी की लूट और एक रिसेंट लूट है, दो लूटों का खुलासा इसमें हुआ है, और ये नई उम्र के जो 20-21 साल के लोग हैं और वहीं औद्योगिक क्षेत्र में निवास करते हैं। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से? इनसे रिवॉल्वर 32 बोर का जो देसी निर्मित है वो बरामद हुआ है, अवैध है, और साथ ही साथ इनके जो पैसे लूट के थे वो भी बरामद किए गए हैं।